नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरमई टाइम्स में। मैं हूं सिद्धांत त्रिपाठी। हर खबर को विस्तार से जानेंगे, उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मल्लिकार्जुन खड़गे बने कांग्रेस के नए अध्यक्ष, शशि थरूर को भारी अंतर से हराया। बेमेतरा जिले में बेमौसम बरसात ने किसानों को परेशानी में डाला, प्रशासन को लेकर जताई गई नाराजगी। विद्यार्थियों को वन पर्यावरण एवं वानिकी गतिविधियों का जीवंत परिचय करवा रहा वन विभाग। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे ने जीत हासिल की है, जिसकी मतगणना आज नई दिल्ली में हो रही थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे को लगभग 8000 वोट और वहीं शशि थरूर को सिर्फ 1000 वोट मिले हैं, और इस जीत से पहले ही इन परिणामों के आने के कयास लगाए जा रहे थे। यह चुनाव ऐतिहासिक था, क्योंकि नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अब सोनिया गांधी की जगह लेंगे, जो सबसे लंबे समय तक पार्टी की अध्यक्ष रही हैं। बता दें कि देश भर के कुल 9915 प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधियों ने गुप्त मतदान में पार्टी प्रमुख को चुनने के लिए निर्वाचक मंडल का गठन किया था, जिसमें 9500 से अधिक ने पीसीसी कार्यालयों और एआईसीसी मुख्यालयों में अपना मत डाला। बेमेतरा जिले में बेमौसम बारिश के चलते किसानों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बेमेतरा जिला एक कृषि प्रधान जिला है और बड़ी संख्या में यहाँ धान की खेती की जाती है, लेकिन पिछले कई दिनों से लगातार खराब मौसम और बारिश के चलते किसान परेशान हैं। वहीं दूसरी ओर किसान अर्ली वैरायटी की फसलों की कटाई की तैयारी में भी लगे थे, लेकिन बरसात के चलते उनके खेतों में पानी भर जाने की वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। हालांकि किसान फसल को बचाने के लिए पानी को निकाल रहे हैं, पर रोज बारिश के चलते वे बहुत चिंतित हैं। वहीं बिगड़ती हालात को देखने के लिए अब तक जिला प्रशासन की ओर से कोई टीम नहीं पहुंची है, जिसे लेकर किसान नाराज हैं। अब सरकार जाना भाई का दी ही का नहीं दी ही, बाकी हमारे किसान मन के मांग हवा कि बीमा राशि दिया जाए। अतिवृष्टि के कारण जिन भी किसानों को यदि कोई नुकसान पहुँचता है, संबंधित हल्का में हल्का सूचित करें, ताकि जो शासकीय योजनाएं। सरगुजा जिले में विद्यार्थियों को वन पर्यावरण एवं वानिकी गतिविधियों का जीवंत परिचय कराने के लिए सह जागरूकता वन मितान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरअसल सरगुजा जिले के मेनपाट वन विभाग मितान जागृति सहभागिता शिविर परीक्षण कार्यक्रम चला रहा है, जिसके तहत जिले के मिडिल स्कूल से लेकर हाई स्कूल के सैकड़ों विद्यार्थियों को वन औषधि सहित वनों के संरक्षण की बारीकी को बताया गया, जिससे कि आने वाले भविष्य में बच्चे जंगलों का महत्व समझ सकें। इसी के साथ यहाँ जागरूकता लाने पर जोर दिया गया, साथ ही औषधि पौधों के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें उपयोग करने की भी जानकारी दी गई। हम इन्हें वन योद्धा के रूप में तैयार करना चाह रहे हैं, ये आगे बढ़कर अपने कर्तव्य में जाएंगे तो वनों के प्रति इनकी संवेदना बनी रहेगी और ये वनों के विकास में समुचित सहयोग देंगे, ऐसा हमारा उद्देश्य है। इसका प्रचार प्रसार करेंगे हम लोग अभी अपने गाँव में जाके, ये हमारे साथ जुड़े और गांव वालों को भी बताएं, ताकि आगे हम अग्रसर हो सके। देश प्रदेश की बड़ी और अहम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें।